हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शुभम क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री अध्याय 9 उपसंयोजक यौगिक। इसके पहले वीडियो में हमने किलेट पढ़ा था, ठीक है, कि किलेट क्या होते हैं। तो किलेट एक प्रकार का लिगेंड है, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि जो ये संकुल हैं, ठीक है, इन संकुलों का जो किलेट जैसे संकुल हैं जिसके यौगिक हैं, ठीक है, तो उनका IUPAC नाम क्या था, ठीक है, या फिर IUPAC नामकरण कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समावयवता। क्या पढ़ेंगे? समावयवता। इसके जानने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके हमको बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुँचाएँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं समावयवता। केमिस्ट्री में जो है समावयवता क्या होती है, ठीक है, तो समावयवता इससे ही इसके नाम से स्पष्ट है, ठीक है, कि जो इसके अवयव हैं वो समान हैं, ठीक है, क्या हैं, जो इसके अवयव हैं वो समान हैं। यानी जब दो या दो से अधिक यौगिक या फिर इनके अणुसूत्र, ठीक है, क्या हों, समान हों, परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या हो, काफ़ी भिन्नता हो, तो इन यौगिकों को समावयवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समावयवी कहा जाता है। और इस घटना को समावयवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समावयवता कहा जाता है। तो यह घटना जो है समावयवता की, रसायन विज्ञान के ये दोनों शाखाओं में मिलती है, जैसे कार्बनिक रसायन है और अकार्बनिक रसायन, ठीक है। तो ये रसायन विज्ञान के दोनों शाखाओं में मिल जाता है समावयवता, ठीक। तो आइए देखते हैं समावयवता में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। समावयवता में हम पढ़ेंगे सबसे पहले संरचनात्मक समावयवता। समावयवता जो होता है इसको दो पार्टों में बांटा गया है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिबिंब समावयवता। संरचनात्मक यानी जो संरचना के आधार पर समावयवता मिलती है उसे संरचनात्मक समावयवता के नाम से जाना जाता है, और त्रिबिंब यानी 3D स्ट्रक्चर के आधार पर जो समावयवता मिलती है, ठीक है, उसे त्रिबिंब समावयवता के नाम से जाना जाता है। अब समावयवता जो संरचनात्मक समावयवता है इसमें हम पढ़ेंगे आयनन समावयवता, ठीक है, और इस वीडियो में हम केवल संरचनात्मक समावयवता के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें आयनन समावयवता, जलयोजन समावयवता, बहुलकीकरण समावयवता, उप सहसंयोजक समावयवता, उप सहसंयोजक स्थिति समावयवता, बंधन समावयवता, ठीक है, और लिगेंड समावयवता। तो इनके बारे में, इन सारे समावयवता के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में यह जानेंगे कि त्रिबिंब समावयवता क्या होती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले ये समझते हैं कि संरचनात्मक समावयवता क्या है। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र, ठीक है, समान हो लेकिन संरचना सूत्र इनका क्या हो, भिन्न भिन्न हो। अणुसूत्र तो समान है लेकिन जो संरचना है, इनकी स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी अलग है, तो वे यौगिक जो हैं संरचनात्मक समावयवी कहलाएंगे। तथा यही घटना जो संरचनात्मक समावयवियों के लिए हो रही है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। और संरचनात्मक समावयवता जो है इसको कई भागों में बांटा गया, जैसा अभी आपको ऊपर बताया गया कि आयनन समावयवता, जलयोजन समावयवता, बहुलकीकरण समावयवता, उप सहसंयोजक समावयवता और उप संयोजक स्थिति समावयवता, बंधन समावयवता और लिगेंड समावयवता। तो ये सारी चीज़ें संरचनात्मक समावयवता के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि आयनन समावयवता क्या है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं आयनन समावयवता क्या है। क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र, अब ये तो सब में होगा कि अणुसूत्र समान होंगे, यानी जो अणुसूत्र है, ठीक है, अणुओं में परमाणुओं की संरचना, कितने परमाणु हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें तो समान होंगी, लेकिन क्या होगा कि वो विलयन में क्या करेंगे, अलग अलग आयन उत्पन्न करेंगे,
ठीक है, यानी दो ऐसे यौगिक हैं जिनके अणुसूत्र तो समान हैं, लेकिन यदि उनको घोल दिया जा रहा है, ठीक है, किसी विलायक में विलय कर दिया जा रहा है, तो वो दोनों यौगिक अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं, और इसी कारण क्या होता है, उसमें आयनन समावयवता उत्पन्न होती है, और ऐसे यौगिकों को ही आयनन समावयवी कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए CO NH3 SO4, ठीक है, Br, और ये यौगिक और है CO NH3 Br SO4। अब देखिए इसके अणुसूत्र तो समान है, ठीक है, बस क्या है कि जब इसको क्या करेंगे, यदि हम AgNO3 विलयन के साथ मिलाते हैं, ठीक है, पहला संकुल क्या करेगा, AgNO3 विलयन के साथ AgBr बनाएगा। जब हम इसको AgNO3 विलयन के साथ मिलाते हैं तो AgBr का हल्का पीला अवक्षेप देता है, लेकिन BaCl2 के साथ ये क्या करता है, कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, जबकि बाद में जो पहला संकुल है, ठीक है, वो क्या करता है, BaCl2 के साथ BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देता है, क्या करता है, BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देता है, तथा पहले में ये जो Br- है ये हमको मिल जाता है। देखिए इसका जब विलयन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए विलयन, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से CO NH3 5 SO4 प्लस, ठीक है, प्लस Br- क्या मिल रहा है, Br-, यानी एक में क्या किया, इसका विलयन जब बनाए, ठीक है, AgNO3 में, तो हमें Br- मिल गया, और ये जो हमारा है सेकेंड वाला, इसका जब विलयन बनाते हैं, ठीक है, तो क्या मिल जाता है, इसी के साथ देखिए CONH3 5, अब इसमें ब्रोमीन तो अंदर हो गया है, ठीक है, 2+SO4-2, इसमें देखिए अलग अलग आयन मिले, पहले में क्या Br- और दूसरे में SO4-2। तो इस प्रकार क्या है कि ये यौगिक जो है आयनन समावयवी हैं, क्या है, आयनन समावयवी हैं, और इनकी जो समावयवता है उनको आयनन समावयवता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला समावयवता आता है जल योजन समावयवता, क्या है, जल योजन समावयवता। जल योजन समावयवता मतलब जो भी यौगिक हैं, संकुल हैं, ठीक है, इनमें जल जो है वो उपसंयोजक परिसर में जुड़ा हुआ है कि आयनिक परिसर में जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर हम जल संयोजन अवयवों की व्याख्या करते हैं, या जल योजन समावयवता की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, समान अणुसूत्र वाले ऐसे यौगिक जिसमें जल के अणु समान संख्या में उपस्थित होते हैं, जल के अणु समान संख्या होते हैं, परंतु इन जल के अणुओं की संख्या दोनों यौगिकों के, ठीक है, दो या दो से अधिक जितने भी यौगिक हों, यौगिकों के आयनिक परिसर व उपसंयोजक परिसर में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ऐसे यौगिक क्या कहते हैं, जल योजन समावयवी कहलाते हैं, और जो इनकी समावयवता होती है ये जल योजन समावयवता कहा जाता है। जैसे CrCl3 × 6H2O, ठीक है, क्या है, CrCl3 × 6H2O, इसके कुछ समावयवी इस प्रकार हैं, आप देखिए जल योजन समावयवी, पहला है CrH2O6, ये पूरा इसके बाहर है Cl3, ठीक है, अब इसमें देखिए जो उपसंयोजक परिसर में H2O की संख्या, उपसंयोजक परिसर यानी इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इसे समन्वय परिसर के नाम से भी जाना जाता है,
तो इसमें जो H2O की संख्या है वो 6 है, और इसका जो कलर होता है ठीक है वो बैंगनी कलर होता है, और आयनिक परिसर में यानी ब्रैकेट के बाहर जो जल की संख्या कितनी है 0 है। देखिए इसमें क्या है कि किसी सभी मतलब समान जल के अणु होंगे, लेकिन क्या है दोनों परिसर में अलग अलग इनकी संख्या होगी। अगला देखिए Cr H2O 5 Cl ठीक है, उसके बाद Cl2 into H2O। अब इसका जो कलर होगा वो हल्का हरा होगा, और इसमें जो है उपसा संयोजक परिसर में अजल के अणुओं की संख्या कितनी है 5 है ठीक है, और आयनिक परिसर में क्या है वो 1 है। इस प्रकार देखिए उपसा संयोजक परिसर और आयनिक परिसर दोनों में मिला के जो है कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं, यहाँ 6 था ठीक है, यहाँ भी 6 ही है, एक 5 जो है उपसा संयोजन परिसर में है ठीक है, और आयनिक परिसर में 1 है, तो कुल मिला के कितने हुए 6 हो गए। अगला है Cr H2O 4 ठीक है, Cl2 Cl.2H2O, यहाँ जो उपसा संयोजक परिसर में है वो 4 है, कितना है 4 यानी 4 है, और जो आयनिक परिसर में है वो 2 है, कितने हैं 2 हैं। तो इस प्रकार इसमें भी कुल मिलाकर कितने जल हुए 6 हुए। तो यही कहा जा रहा था कि ऐसे समान अणुसूत्र वाली यौगिक जिनमें जल के अणुओं की तो संख्या समान है किंतु आयनिक एवं उपसंयोजक परिसर में ये भिन्न भिन्न जलयोजन समायोगी कहलाते हैं ठीक है, क्योंकि इनके जो आयनिक परिसर और उपसंयोजक परिसर हैं इसमें अलग अलग जल के अणुओं की संख्या है। और आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा है बहुलकीकरण समावयवता। क्या है बहुलकीकरण समावयवता? तो समान मूलानुपाती सूत्र मतलब यानी जिनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, जो जिनके मूल सूत्र क्या हैं समान है, तथा इनके आणविक संगठन यानी मॉलिकुलर कंपोजिशन जो है ये क्या है भिन्न है, तो इनके जो यौगिक होंगे ये बहुलकीकरण समावयवी होंगे ठीक है, तथा इन्हीं यौगिकों को इनके इस गुण के कारण बहुलकीकरण समावयवता दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है ठीक है PT NH3 का ट्वाइस Cl2 को होल ट्वाइस व PT NH3 4 और ये PT Cl4, इनके जो मूलानुपाती सूत्र हैं ठीक है वो क्या हैं, वो तो समान हैं। जैसे यहाँ पर कितना क्लोरीन है देखिए Cl4 है ठीक है, वैसे यहाँ भी है, लेकिन इनके जो संगठन हैं संगठन ठीक है ये क्या हैं ये अलग अलग हैं, इनके देखिए कंपोजिशन कुछ अलग है और इसके कंपोजिशन अलग हैं। तो इस तरह के जो भी यौगिक होंगे वो बहुलकीकरण समावयवता को दर्शाएंगे। अगला आता है उपसहसंयोजक समावयवता। उपसहसंयोजक समावयवता क्या होती है ठीक है, तो ये जानते हैं ऐसे यौगिक जिसमें धनायन तथा ऋणायन दोनों संकुल होते हैं ठीक है, यानी दो संकुल होता है इसमें, एक धनायन का संकुल होता है एक ऋणायन का संकुल होता है ठीक है, ये क्या करते हैं उपसहसंयोजक समावयवी होते हैं, और ये उपसहसंयोजक समावयवता दर्शाते हैं ठीक है। इनमें उपसहसंयोजक परिसर में उपस्थित जो लिगेंड हैं वो अपनी स्थितियां क्या करते हैं परिवर्तित करते रहते हैं ठीक है, इनके लिगेंड क्या करते हैं अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं या करते रहते हैं ठीक है, जिनके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि विभिन्न समावयवी प्राप्त हो जाते हैं, और ये वर्गाकार समतलीय तथा अष्टफलकीय दोनों संकुलों में इस तरह की समावयवता मिलती है ठीक है। जैसे पहली समावयवता जैसे धनायन तथा ऋणायनों में भिन्न भिन्न धातु आयन विद्यमान होते हैं, तो क्या हो जाएगा Cu NH3 4
ठीक है। और दूसरा है जो ऋणायन संकुल है वो पी टी सी एल फोर का है, ये किससे समावयवी है, वा पी टी एन एस थ्री, ठीक है, फोर सी यू सी एल फोर। तो ये दोनों क्या हैं, ये उप सहसंयोजक समावयवी हैं, ठीक है, और उप सहसंयोजक समावयवता दर्शाते हैं। तो ये दो भागों में बटे हैं, ठीक है, उप सहसंयोजक समावयवी। पहले जो जिसमें धनायन तथा ऋणायन भिन्न भिन्न धातु और आयन विद्यमान होते हैं, तो ये हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल है पी टी एन एस थ्री का फोर और पी डी सी एल फोर, ठीक, व पी डी एन एस थ्री फोर पी टी सी एल फोर। क्या है, देखिए इस जो पी डी है ना और पी टी, इन दोनों का स्थान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। थोड़ी देर बताया गया था ना कि इनकी स्थितियां जो है लिगेंड अपनी स्थितियां क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार में आता है कि समान ऑक्सीकरण अवस्था के जो धातु आयन होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, समान ऑक्सीकरण अवस्था के धातु आयन लिख लीजिए, समान ऑक्सीकरण अवस्था के धातु आयन, अवस्था के धातु आयन। इसका एग्जाम्पल है सी आर एन एस थ्री होल सिक्स, ठीक है, इनटू में है सी आर एस सी एन सिक्स, वा इसके साथ क्या है समावयवी में, वा सी आर एन एस थ्री फोर एस सी एन कटोएस, ठीक है, इंटू सी आर एन एस थ्री कटोएस एस सी एन फोर। तो ये हो गए जो समान ऑक्सीकरण अवस्था के धातु आयन हैं, ये आते हैं उप सहसंयोजक समावयवता के अंतर्गत, ठीक। आइए पांचवा देखते हैं, पांचवा समावयवता क्या है, यह पांचवे जो समावयवी हैं, उप सहसंयोजक स्थिति समावयवता, उप सहसंयोजक स्थिति समावयवता। इसमें क्या होता है कि जो बहुनाभिक उप सहसंयोजक यौगिक हैं, बहुनाभिक का मतलब जिसके कई सारे सेंटर हों, ठीक है, तो ऐसे उप सहसंयोजक यौगिक ये क्या करते हैं, असेतु कारक लिगेंड यानी जो सेतु नहीं बनाए होते हैं, ठीक है, बॉन्ड के रूप में, ये अपने स्थान बदल कर अनेक समावयवी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और यही क्या कहलाते हैं, यही समावयवी उप सहसंयोजक स्थिति समावयवी कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि लिगेंड द्वारा क्या है, अपना स्थान बदल दिया जाता है यानी स्थिति को परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है, और इसी गुण के कारण इनको उप सहसंयोजक स्थिति समावयवता कहते हैं। इसका एक उदाहरण है सी एल टू एन एस थ्री कटोएस सी ओ ओ एच ओ एच, ठीक है, इनके सेंटर एक से अधिक, ठीक है, यानी बहुनाभिक जिसे कहा जाता है एन एस थ्री थ्राइस। वह सेकेंड है, सेकेंड यौगिक क्या है, एन एस थ्री फाइव सी ओ। अब देखिए इनका स्थान क्या हुआ, चेंज हो गया, जो एन एस थ्री था, ठीक है, वो फाइव हो गया यहाँ पर, ओ एच हाइड्रोक्सिल है ये, सी ओ सी एल फोर हो गया इस साइड में, ठीक है, यानी क्या हुआ कि जो बहुनाभिक सहसंयोजक हैं
इनके लिगेंड द्वारा क्या किया गया, परस्पर स्थान चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, तो लिगेंडों का स्थान इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक, तो ये हो गई आपकी उप सहसंयोजक स्थिति समावयवता। अगला है बंधन समावयवता। क्या है? बंधन समावयवता। बंधन समावयवता में क्या होता है, कुछ लिगेंड क्या करते हैं, एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा धातु परमाणु के साथ आबंध बनाने में समर्थ होते हैं या सक्षम होते हैं, और ऐसे लिगेंड जो हैं वो उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे थायोसाइनेट है, ठीक है, जिसे HCN है माइनस, HCN माइनस, इसको थायोसाइनेट कहा जाता है, तथा नाइट्राइट यानी NO2 माइनस। इस प्रकार के लिगेंडों के जो सामान्य उदाहरण है वो थायोसाइनेट समूह, ठीक है, धातु आयन के साथ या तो सल्फर परमाणु के द्वारा अथवा नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा संलग्न हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के से प्राप्त जो समावयवियों को क्रमशः जो है थायोसाइनेटो यस या फिर थायोसाइनेटोयन संकुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके उदाहरण हैं, इनके उदाहरण देखिए जो बंधन समावयवता दर्शाते हैं, CrHCN थायोसाइनेट, ठीक है, H2O5 जल का पांच अणु है, +2 व CrNCS H2O5 2+, ये पहला हो गया। ठीक है, एक और है दूसरा CONS3 का 5, ठीक है, ONOCl2 व CONS3 5 NO2 Cl2। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, बंधन समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, यह समावयवता उभयदंतुक लिगेंड वाले यौगिकों में भी पाई जाती है। और अंतिम जो है वो लिगेंड समावयवता है। क्या है? लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता में क्या होता है कि बहुत से लिगेंड जो है वो स्वयं समावयवी के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में? समावयवी के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह के लिगेंड अधिकांशतः कार्बनिक अणु होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक अणु होते हैं, और ऐसे लिगेंडों से बने यौगिक जो है वो लिगेंड समावयवी कहलाते हैं, तथा यौगिकों का जो गुण होता है उसे लिगेंड समावयवता कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लिगेंड समावयवता कहते हैं। और लिगेंड जो है ये डाई अमीनो प्रोपेन है, ठीक है, इसमें लिगेंड समावयवता दर्शाई जाती है। जैसे एग्जांपल है CH2, इसके साथ क्या है? NH2 MN है, NH2, ठीक है, ये पहला क्या है? 1,1-diaminopropane। क्या है? 1,2-diaminopropane। आपको पता है कि तीन कार्बन में प्रोपेन होता है, मेथेन प्रोप, ठीक है, तो 1 में एमेन, 2 में एमेन यानी डाईएमेन, 2 एमेन है, तो 1,2-diaminopropane हो गया। व इसके साथ अगला जो है CH2, ठीक है, यहाँ पे पहले कार्बन के साथ MN लगा हुआ है NH2 और लास्ट वाले कार्बन के साथ, तो क्या हो गया? 1,3-diaminopropane। ये 1,3-diamine हो गया। क्यों 1,3 हो गया? क्योंकि पहले और तीसरे पे लगा था, यहाँ पर पहले और दूसरे पे लगा था, इसलिए 1,2-diaminopropane, ठीक है, डाई एमिनो एमिनो प्रोपेन। ये हुआ आपका
समावयवता लिगेंड समावयवता, ठीक है। तो संरचनात्मक समावयवता में ये जो है सात तरह के समावयवता थे जो आपको बताया गया है, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।